आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर हिमाचल केसरी परम पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहेब आदि ठाणे पांच चतुर्मास हेतु ऐसे जनसभा जगराओ में विराजमान है। आज महाराज साहेब ने अपने मधुर प्रवचनों में गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया और गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला। किसी को सास ने कहा, किसी को बापू ने टोका, किसी को किसी ने टोका, किसी को बेटे ने टोका, किसी ने बाप ने बेटे को टोका, और वो क्या है, आग अंदर लग रही है। कहने को समायिक में बैठ गए हैं, कहने को माला में बैठ गए हैं, लेकिन चित्त की क्या दशा हो रही। चित्त वैसे ही पख रहा है जैसे चूल्हे के ऊपर रखा हुआ खिचड़ी का बर्तन होता है, दूसरा बर्तन होता है, जो उस बर्तन की दशा होती है उसके अंदर पड़ी चीज उबल रही होती है, ऐसे आत्मा के अंदर आरत ध्यान और रुद्र ध्यान चल रहा हो। कहते हैं इतना सुनने वालों की जे दशा है, जो नहीं सुनते हैं तो उनकी क्या दशा होगी। कहते हैं वह शांत है, इसलिए शांत है क्योंकि निमित्त नहीं है, जब निमित्त मिलेगा तो वह भी उससे अलग नहीं होंगे। अब वो कहता है देखो जब दुनिया में पाप कर्म करने वाले ज्यादा हैं तो फिर मैं अकेला नरक में थोड़ा जाऊंगा, जहां इतने लोग जाएंगे मैं भी साथ चला जाऊंगा। कहते मेरे जाने से क्या वहां पर भीड़ बढ़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहे देखो जब होगा हमारा जोर चलेगा क्योंकि हमारे वोट ज्यादा हैं। जे सारी उसकी मूढ़ता है, अज्ञानता है, कहा कि उसको जे नहीं पता आज तो वह इंद्रियों के विषय अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब इनका जहरीला परिणाम सामने आएगा तो उस समय इस आत्मा की क्या दशा होगी, सारे देखते के देखते रह जाएंगे, कर्म उसी को भोगने पड़ेंगे। कोई भी कर्म भोगते समय उसका सहारा केवल रोटी पानी ला के दे सकता है, दवाई ला के दे सकता है, डॉक्टर की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन जो अंदर वेदना है उसको कोई बंटा नहीं सकता, वो उसको ही भोगनी पड़ती है। लेकिन जब पाप कर्मों का जोर आ जाता है तो भगवान इस आत्मा के माता पिता बन के गुरु के रूप में, भगवान के रूप में संसार की आत्मा को संबोधन देते हैं।